KTM RC 390 में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। KTM RC 390 में आपको 162 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है 77,570 रुपीज की एक्स शोरूम प्राइसिंग में। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकनाथ एंड यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। अगर आपको भी एक ट्रक मशीन चाहिए तो आपको एक बार KTM RC 390 की टेस्ट राइड जरूर लेनी चाहिए। लुक्स के बारे में बात करें तो KTM RC 390 आपको फुल्ली फेयरिंग लुक्स में देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको तीन कलर वेरियंट देखने को मिल जाती है, ब्लैक, व्हाइट और ऑरेंज। लाइटिंग के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको रियर में LED टेल लैम्प के साथ LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गॉज, टेम्परेचर इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर और टाइम देखने को मिल जाता है। और तो और बाइक में आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, न्यूट्रल, इंजन मालफंक्शन, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर और एक्सक्लेमेटरी साइन इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको लेफ्ट हैंडल बार में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 1.5 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। माइलेज के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको 20 से लेकर 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको 373.3 cc की सिंगल सिलेंडर वॉल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड VS6 कंप्लायंट DOHC इंजन देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको 43.5 PS की मैक्सिमम पावर और 36 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है और अगर टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको 162 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको फ्रंट में WP ओपन कर्टिजेस ESD फोर्क्स और रियर में WP मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क देखने को मिल जाती है। टायर के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको फ्रंट में 110x70 सेक्शन की 17 इंचेस वाला और रियर में 150x60 सेक्शन की 17 इंचेस वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है। सीट हाइट के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको 820 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, उसी के साथ 178.5 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 166.8 kg की कर्व विड्थ भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट गर्ड भी देखने को मिल जाती है। सीट टाइप के बारे में बात करें तो KTM RC 390 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है और अगर सीट कंफर्ट की बात किया जाए तो KTM RC 390 में आपको राइडर सीट ठीक ठाक मिल जाता है पर पिलियन सीट एकदम कंफर्टेबल नहीं है। उसके अलावा बाइक में आपको ओपन चेन, एल्युमिनियम सिंगम और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो KTM RC 390 आपको 2,77,570 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइसिंग में और 3,17,779 रुपीस की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।